आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। सिवनी जिले में, मध्य प्रदेश का सिवनी जिला, पिछले कुछ महीनों से यहाँ लोग भयभीत हैं। भयभीत होने का कारण ये है कि सिवनी जिले में लगातार ही धरती कांप रही है। धरा के कंपन से लोग अचानक ही रात को दिन में घबरा उठते हैं। प्रशासन की कार्रवाई नाकाफी ही प्रतीत हो रही है। सिवनी के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा, जो मूलतः बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में सिवनी जिला भी आता है, उनके द्वारा, डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन के द्वारा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संपर्क कर इस पूरे मामले की तहकीकात करने, सिवनी में सिम्सोमीटर लगाने के लिए उनके द्वारा प्रयास किए गए हैं। बहुत जल्द ही सिवनी में ये भूकंप मापने के यंत्र लग जाएंगे। सोमवार 9 नवंबर 2020 को सिवनी शहर के उपनगरीय इलाके चूनाभट्टी में जांच दल गया। जांच दल के साथ सिवनी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक दिनेश राय भी मौके पर पहुंचे। दिनेश राय का क्या कहना है इस पूरे मामले में, ये हम आपको अभी बताते हैं। दिनेश राय से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया ने बातचीत की। इस बातचीत में दिनेश राय का क्या कहना था, दिनेश राय के द्वारा बहुत ही बेबाकी के साथ समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा की और उनके द्वारा मौके पर ही जो जानकारियां दी गई वो जानकारियां हम आपके साथ साझा करते हैं। दिनेश राय सिवनी के विधायक हैं, दूसरी बार चुने गए हैं। पहली बार वे निर्दलीय विधायक चुने गए थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वे भारतीय जनता पार्टी के विधायक बने। बहुत दबंग, बहुत उनको बहुत ज़्यादा बेबाक और धरा पर डाउन टू अर्थ विधायक माना जाता है। दिनेश राय से समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा चर्चा की गई, हम पूरी चर्चा आपको बताते हैं। दिनेश राय का क्या कहना है इस बारे में, फिलहाल यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद दिनेश राय के साथ हम पूरी बात बताएंगे कि दिनेश राय विधायक सिवनी के द्वारा क्या कहा गया। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। जिस तरीके से हमारे यहाँ जो झटके आ रहे हैं, इसमें कई प्रकार से हमारे जनता में शंका बैठी हुई है। कहीं ब्लास्टिंग है, कहीं उनको लगता है अर्थक्वेक है, भूकंप है, या कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसको लेकर हमारे माननीय सांसद जी ने भी इसमें पहल करी है और जिला प्रशासन ने, जिसके कारण जी हमारे भूगर्भ शास्त्री लोग आए हुए हैं दिल्ली से और जो मशीन लगाएंगे, इससे निश्चित हो जाएगा कि हमारे इस धरती का डोलने का कारण क्या है, सत्यता क्या। अगर खुदा ना खासा किसी ब्लास्टिंग से कुछ हो रहा है तो वो पकड़ में आएगा, तो उन चीज़ों में उम्मीद करता हूँ कि प्रशासन में कठोर कार्रवाई करवा सकूँ। और अगर भूकंप है तो उसके लिए आने वाले समय कोई घटना दुर्घटना बड़ी ना घटे, उसकी सुरक्षा कैसे करें, और जो अभी तत्काल में जो नुकसान हुआ है जिसके लिए मैं SDM साहब भी खड़े हैं, उन्होंने भी निर्देश किया है कि इन पटवारी द्वारा सबका सर्वे हो जाए और इन हो सके तो उम्मीद है कि जितना अधिक नुकसान हो तो उनको उस हिसाब से मुआवजा दिला पाए। जी, हम सबका प्रयास और उम्मीद करता हूँ कि जनता इसमें निराश ना हो, भयभीत ना हो, क्योंकि अभी तक ऐसी कुछ यंत्र नहीं बना है जो बता सके हमको पहले से कि इतने बजे इतने घंटे में भूकंप आने वाला है तो हम घर से बाहर निकल जाएं। तो हमें अपने आप पर ही भरोसा रखना है, स्वयं को सतर्क रहना है, दिव्यांगों को, बच्चों को, बुजुर्गों को पहले ऐसी घटना पर निकालना है। जी, हम सबको सतर्क कर रहे हैं और सबको चाहता हूँ कि आदमी इस बात को सब जानकार बन जाए कि इन भूकंप से अभी हमको किस तरह सुरक्षित रहना। दूसरा, छोटे मोटे झटके जरूर आ रहे हैं, इस पर बस ऐसा ना करें कोई बड़ा कोई हमारे यहाँ भूकंप ना आए जिससे हमारी जनहानि धनहानि की ना हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ। जैसे आपने भी कहा कि कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो ये बता पाए कि भूकंप आएगा, फिर प्रशासन किस आधार पे अभी 72 घंटे में भूकंप आ सकता है कि भविष्यवाणी नहीं, भविष्यवाणी नहीं, जो आज तक भूकंप कहीं आया है उसका जो अभी तक एक सर्वे या देखा गया है कि वो प्लेट फिर सेटल होती है, ऐसा कुछ बताते हैं कि उसके 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे बाद, लेकिन यहाँ क्या सेटल हो रही है, 2-3 महीने से हम देख रहे हैं वो लगातार आ रहा है, तो ये भी हम मान सकते हैं विज्ञान भी यहाँ फेल हो रही है।
प्रशासन भी अपने अंदाज से ही जनता को अवगत करा रहा है और हम लोग भी कह सकते हैं कि सब अधर में अपनी बात कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये सब ईश्वरी है, इसको कैसे बचाया जा सके, जो हमारी पहले जनता को सुरक्षित रखना पहला कर्तव्य हमारा और प्रशासन का है। बहुत साफ गोई के साथ विधायक दिनेश राय जी ने कहा कि सब कुछ अधर में है, सब कुछ अधर में है, जितनी भी चीज़ें जो भी हो रही हैं, बहुत ही साफ गोई के साथ उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में YOUTUBE.com इसके बाद डॉट लगाकर COM YouTube.com आप खोलेंगे, YouTube आपका खुल जाता है। YouTube में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है, इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन बेल जो है, बेल को आप पुश करिए, बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया, इसमें विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साई न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएँ, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोज़ जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए, आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।